झारखंड में राजनीतिक उठापटक के रंगारंग कार्यक्रम के प्रसारण के बीच सोमवार को झारखंड विधानसभा में नई नवेली चंपई सोरेन सरकार का बहुमत साबित हो ही रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और ईडी के रडार पर बैठे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बोलना शुरू कर दिया। दरअसल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वोट करने पहुंचे। यही वजह थी कि ईडी कोर्ट ने उन्हें पहले ही अनुमति दे दी थी। अपने भाषण के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि 31 जनवरी की रात को देश में पहली बार किसी सीएम को गिरफ्तार किया गया और उनका मानना है कि इस घटना में राजभवन भी शामिल था। 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है, इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तार हुआ हो, गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी। इनके आचरणों से इनके बयानों से लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़े। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय।